सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, देखी होगी आपने अभी जो है घर की हालत क्या हो रही है, और जब तक बच्चे सो के नहीं उठते हैं ना, तब तक यही हाल रहता है। और मैंने सारा काम कर लिया था, सफाई वगैरह का, बस कमरे में गड़बड़ हो रही थी सारी। तो मैंने कहा चलो, जब उठ जाएगा तो उसके बाद ही सारा काम करूँगी। तो ये देखिए पूरे बेड का क्या हाल हो रहा है। अब यहाँ समेटती हूँ फटाफट से और फिर जो है और काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सूख रहे हैं कल के कपड़े, अभी आज के धुले हुए हैं। इन्हें निकालती हूँ, फिर इनकी जगह खाली हो जाएगी तब दूसरे डालूंगी। इनकी भी तह लगानी है। बस यही हमारा दिन भर का काम रहता है। और आजकल खाने पीने का तो कोई विशेष नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये काम हो ही रहा है। और ये देखिए कपड़ों का लगा हुआ है ढेर, और कुछ धोने के लिए लगा हुआ है, कुछ धुले हुए ऐसे रखे हुए हैं, इनकी तह लगानी है। और ये देखिए अब इन्हें जो है, ये चादर मैंने बदली थी तो इसे रख देती हूँ बेड पे, वो सॉरी उसमें मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि फैले हुए हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो यही सब समेट रही थी, यही सब कर रही हूँ मैं। सभी कपड़े लग चुके हैं तय, इन्हें सबको अलमारी में रख देती हूँ। और अब खाने का देखती हूँ, खाने में क्या बनाती हूँ और आपके साथ शेयर कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, ये भी मुझे कुछ नहीं पता अभी। तो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाई है मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी। और ये देखिए बनाई कुकर में ही है, क्योंकि कुकर में बनी हुई बेटे को पसंद आती है, कढ़ाई में बनी हुई पसंद नहीं आती। और ये है खीरे का सलाद। तो आज ये आप लोग भी गर्मा गर्म बैगन की सब्ज़ी खा लीजिए, जिसमें मैंने राई से और जीरे के तड़का लगाया है, और ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी मैं अपनी पसंद से भी बना लिया करती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खा लेते हैं खाना।
सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? और मैं अच्छी हूँ, और आप बताइए आप लोग कैसे हैं और कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और बहुत ही खुशी हुई कि मेरे कल कई सारे फ्रेंड्स का मन हुआ है, बहुत ही खुशी होती है मुझे। और क्योंकि सभी लोग मेरे साथ से मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, दिन रात इस तरीके से मेहनत कर रहे थे, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। क्योंकि हम इससे जानते हैं क्योंकि हमने भी वही सीध मतलब वही काम किया होता है। और जब कोई दूसरा करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि उसकी मेहनत सफल होती है। मेहनत सफल होती है तो सभी चीज़ें अच्छी लगती है, और आगे को भी जब हमें सफलता मिल जाती है तो आगे भी हमारा मन काम करने को, आगे बढ़ने को सब मतलब निरंतर बना रहता है। और कहीं अगर हमें असफलता मिल जाती है तो फिर हमारा मन जो है ना खराब हो जाता है। तो यही था कल मैंने सुना, कल मेरी दो फ्रेंड्स जो बहुत अच्छी हैं उनका मोनो हुआ है, बहुत ही खुशी हुई, और मेरी तरफ से उनको बहुत 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 बधाई। और मैं तो यही चाहूँगी कि मेरी सभी फ्रेंड्स का फटाफट से मोनो हो, सभी एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जो है मोनो होने के बाद सभी के पास थोड़ा बहुत टाइम हो जाएगा एक दूसरे को के लिए, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा व्यस्त हैं। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने तो अपने घर का हाल भी दिखाया था, इतना बुरा हाल हो रहा था, तो वो बोल रही थी कि भाई हमारा घर कभी ऐसा नहीं रहा, और इन दिनों इतने बिजी हो गए कि घर की तरफ को देखने का भी मतलब टाइम नहीं मिला, बस लगे रहे। तो मतलब आखिर में उनका जो है बहुत खुशी हुई कि उनकी जो है मनोकामना पूरी हुई, उनका मनो हुआ, उनका उत्साह वर्धन हुआ। तो सभी को अच्छा लगता है, और मेरी तो उन सबके साथ यही मतलब एक अभिलाषा कहते हैं, या मतलब बहुत मतलब उनको इस तरीके से बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई है। और मैं तो यही कहूँगी फटाफट से सबके सब आगे बढ़े और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें। एक दूसरे के सपोर्ट की भावना तभी मन में आती है जब हम लोग देखते हैं कि हाँ अब हमने ये कार्य किया और इस कार्य में हम लोगों को दूसरे का साथ की ज़रूरत है, वो तभी समझ पाता है, अन्यथा नहीं समझ पाता। नहीं तो एक एक वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगने के बाद उसे इतना एडिटिंग करना, उसमें म्यूजिक डालना, उसमें ये करना, उसमें वो करना, तो उसके बाद कोई एक सेकंड या दो सेकंड देख कर उसे बंद कर दे तो बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ मेरा भी आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरीके से ना करें। हम लोगों को एक दूसरे का साथ बनाए रखना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को भी सपोर्ट करना है। तो सभी आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बस आज की वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि अभी ज़्यादातर वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, थकान बहुत जल्दी अभी हो जा रही है, और काम रसोई वगैरह के काम से तो मैं भी बच रही हूँ, करना तो पड़ रहा है, लेकिन इतना शॉर्टकट कर रही हूँ कि आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। सारा काम मेरा रसोई से बाहर होता है, बस एक रोटी बनाने के लिए मैं अंदर जाती हूँ, तो उसको आप शेयर करने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में आजकल रसोई शेयर नहीं कर पा रही हूँ। रसोई शेयर तो छोड़ो, जो वहाँ एक चाय बनाने का रहता है ना, वो भी नहीं शेयर कर पा रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मुझे कुछ खास क्या कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, उसका रीज़न नहीं पता, हो सकता है ब्लड की वजह से हो रहा हो कुछ अभी ऐसा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एक टावल लेके यूं करके पूरे दिन भर, और चेहरा ना ऐसे हो गया है उछल उछल के, मतलब पसीना पोंछ के ऐसा मतलब वो रहता है, मतलब बहुत अजीब सा। तो इसी वजह से आप लोगों के साथ मैं रसोई मतलब किचन का काम वगैरह है वो भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो बहुत जल्दी बरसात हो जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, फिर आपसे अच्छे अच्छे से पकवान बनाएंगे अच्छे अच्छे से चीज़ें बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तभी तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। ओके बाय फ्रेंड्स, गुड डे।